गुमला शहरी क्षेत्र के बड़ाइक मोहल्ला में मंगलवार की रात अपराधियों द्वारा पुग्गू खोपा टोली निवासी करीब 25 वर्षीय दिव्यांग बिंदेश्वर उराव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार की शाम हत्या में शामिल दो अभियुक्त बड़ाइक मोहल्ला निवासी रोहित सिंह उर्फ लोहा सिंह और अंबेडकर नगर निवासी पंकज राम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बीते रात्रि करीब 12:30 बजे थाना प्रभारी गुमला को सूचना मिला कि बड़ाइक मोहल्ला में एक विकलांग व्यक्ति को कुछ युवकों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से मारपीट किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है, जिस पर तुरंत PCR पहुंचकर उसके घायल को इलाज हेतु सदर अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दी गई, जिस पर तुरंत करते हुए उसका पहचान के लिए उनके पिताजी उपस्थित हुए और बताया कि ये उनका विकलांग बेटा बिंदेश्वर उड़ाव है, जो जिसके पहचान पर उनके द्वारा अज्ञात अपराध कर्मियों के ऊपर कान अंकित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी गुमला इंस्पेक्टर विनोद कुमार एवं सब इंस्पेक्टर विवेक पांडे और प्रेम सागर सिंह और सहनी संजय कुमार के साथ भी थोड़ी छापाई करते हुए अनुसंधान में तेजी करते हुए इनके द्वारा इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मी रोहित सिंह उर्फ लोहा सिंह और पंकज राम को गिरफ्तार किए और उसके घटना प्रयुक्त बांस को भी बरामद कर लिया गया। इन लोगों द्वारा पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि विकलांग के साथ में रोहित सिंह उर्फ लोहा को 1500 रुपये को लेकर 1500 रुपया बकाया चला था, इसी के लेकर ये घटना कायम किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।